ऑलराइट गाइस, सो 6th एनिवर्सरी बहुत जल्द आने वाली है लेजेंड्स की। एंड कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई इसके लिए एक वीडियो बना दो कि हम प्रिपरेशन कैसे करें एंड सीसी कैसे कलेक्ट करें फॉर एनिवर्सरी, एंड ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। एंड मैं अपनी सारी जगह बताऊंगा जहाँ से मैं भी सीसी कलेक्ट करूंगा एनिवर्सरी के लिए। एंड वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गो विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर 6th एनिवर्सरी। फर्स्ट टिप मैं तुम्हें यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल रखो, बिकॉज एनिवर्सरी से पहले ना भाई बहुत ज़्यादा बैनर्स आते हैं, अल्ट्रा बैनर्स एंड कुछ रिटर्न्स बैनर भी आएंगे LFK, तो उनको स्किप करना। एंड ये लोग एक और बैनर निकालते हैं जिसके अंदर तुमको मतलब LF मिलेंगे 1K सीज डालने पे, तो ये वाले समर वाले बैनर होंगे, तो वो बैनर अगर तुम मतलब समोन करते हो तो बहुत अच्छा बैनर है वैसे, बट तुम चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो बिकॉज एनिवर्सरी तक तुमको अपनी सेविंग पे कंट्रोल करना है। सेकंड टिप ये है कि अगर तुम्हारे पास 20K सीसी हैं, अगर तुम्हारे पास 20K सीसी हैं तो उसके बाद ना तुम सीसी कलेक्ट नहीं कर पाओगे कोई भी इवेंट हो। अगर रेड आई है, अगर तुम्हारे पास 20K सीसी है एंड रेड में से तुम चाहते हो कि 1K सीसी ले सको तो तुम नहीं ले पाओगे। तो तुमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि तुमको एनिवर्सरी तक तुमको करना क्या है ऐसा। ओके, तो तुमको बस यही सजेस्ट करूँगा कि 20K रखो एंड अगर कोई बैनर आता है तो थोड़े से सीसी वहाँ से यूज़ कर लो एंड उसके बाद फिर कलेक्ट करना शुरू करो। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा। और लेट्स गो विद सम सीसी टिप्स जहाँ से मैं भी सीसी कलेक्ट करता हूँ। पहले नंबर पे यार मैं टूर्नामेंट पावर का रखूँगा बिकॉज यहाँ से 1.5K सीसी वेरी इजीली मिल जाते हैं अगर तुमको खेलना आता है टूर्नामेंट पावर, एंड अगर नहीं आता तो तुम्हारा भाई यहीं पर है। मैंने इस पर वैसे वीडियो बना चुका हूँ, अगर तुमने नहीं देखी है तो तुम देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा इस वीडियो का। ओके, एंड इस सीज़न का जो टूर्नामेंट पावर है 75 और पता नहीं 76, तो इसकी वीडियो मैं है जो लास्ट में बनाऊँगा। 25 पॉइंट्स जब मेरे हो जाएंगे तब मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज मैं इसमें समझाऊँगा नहीं कि किस तरह क्लियर करना है, मैं सिर्फ क्लियर करके दिखाऊँगा। एंड उस वीडियो को तुम फुल स्पीड में करके देखना जिससे तुमको समझ भी आ जाएगा कि कैसे क्लियर करना है एंड तुम जल्दी देख भी लोगे। ओके, तो यहाँ से 1.5K सीसी मिलेंगे, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। इसी के साथ सीसी अगर तुम्हें चाहिए तो तुमको भाई पीपी में भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा, बिकॉज पीपी के अंदर तुमको 1K सीसी मिल जाएंगे अगर तुम्हारे पास स्किल्स है पीपी के अंदर। ओके, बिकॉज देखो मेरे पास ये नहीं कहूँगा कि मैं गॉडली बंदा हूँ, बट मैं 1K सीसी ले लेता हूँ तो मेरे को उतना इनफ है एंड मैं इतना टाइम नहीं देता पीपी का मतलब कि गॉडली करूँ मैं ये करूँ, बट मैं 10K के अंदर भी मैं 10K के अंदर रहता हूँ हमेशा, तो मैं 1K सीसी ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, अगर तुम मतलब इससे थोड़े से नीचे हो तो तुमको 400 प्लस 200 600 ईजिली मिल जाएंगे ना, तो यही चीज़ तुमको कंटिन्यू करना है अपने एनिवर्सरी तक। तो तुमको ज़्यादा फिकर नहीं करनी यार, तुम ईजिली 20K से 30K कर सकते हो अगर तुम दिमाग से करोगे सेविंग। ओके, एंड कंट्रोल रखना अपने ऊपर। एंड अगर सीसी चाहिए तो भाई हमारे पास थर्ड जगह भी है लेजेंड रैंकिंग को इतना लोग ध्यान में नहीं रखते हैं जैसे कि मैं इस पर इतना ध्यान रखता बिकॉज यहाँ पे कुछ करना ही नहीं हमें, यहाँ पे बस स्कोरिंग होती रहेगी तुम्हारी जिस तरह तुम गेम खेलते हो, और अगर तुम ज़्यादा गेम खेलते हो तो तुम यहाँ से ज़्यादा पॉइंट बनाओगे एंड यहाँ से वैसे भी 300 CC ही मिलेंगे कुछ जितना भी कर लो तुम। ओके, तो 300 CC मिलेंगे एंड वो भी मंथ में मिलेंगे, जो कि जैसे कि मंथली मिशन से पहले जो कि हटा दिए गए हैं उसकी जगह पे इन्होंने लेजेंड रैंकिंग डाला है, तो जो कि एक तरह से सही है वहाँ पे भी हमको बट हमको मंथली मिशंस के अंदर 500 CC मिलते थे एंड यहाँ पे 300 मिलते हैं जो कि बेकार है एक तरह से। ओके, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ से इक्विपमेंट ले सकते हो, तो एक तरह से बहुत अच्छा है। तो या इस चीज़ को भी कंटिन्यू रखना है एनिवर्सरी तक, जो कि बहुत अच्छा है। फोर्थ पे हमारा आता है डेली स्टैम्प, एंड डेली स्टैम्प यार मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अब तक का बेस्ट अपडेट था ये लेजेंड्स का जिसके अंदर डेली स्टैम्प इन्होंने ऐड किया, बिकॉज यहाँ से 1K CC वेरी इजीली मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट जगह यही होगी। तुमको 6000 CC यहाँ से मिलेंगे अगर तुम एनिवर्सरी तक लगातार यही करते हो। हमारे पास 2.5 मंथ है यार, तो ईजिली 6000 तो वेरी इजीली यहाँ से तुम कलेक्ट कर लोगे। ओके, तो इसको तो तुम बिल्कुल मत भूलना, अगर तुम ख़त्म भी हो रहे हो तो इसको मत भूलना, ठीक है। स्टैम्प के ऊपर अगर तुम देखोगे तुमको यहाँ पे मिशन प्लान भी दिखेगा जहाँ से तुमको बहुत अच्छा अमाउंट एक सीसी मिल जाता है 500 CC।
एंड अगर तुमने परचेस कर रखा है तो तुमको 1.5 के और मिलेंगे, मतलब कि 2000 मिला के। ओके बट एज आई हैव टू बी 500 अगर मिल रहे हैं बहुत बड़ी बात है भाई, कहीं तुम्हें फ्री में नहीं मिलेंगे। ओके तो इनको भी कलेक्ट कर लेना एंड यही चीज़ तुमको मतलब एनिवर्सरी तक करनी है। एंड इन सीसी को यार तुम वेस्ट मत करना, मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा। ओके अपने आप पे कंट्रोल रखो, बिकॉज यार देखो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एंड अभी इवेंट कैंपेन चल रहा है एंड कैंपेन का लास्ट करेक्टर भी आने वाला है, तो कोई क्या पता वो बहुत अच्छा हो, मैं भी समोन कर दूँ, बट अगर नहीं होगा तो भाई स्किप कर देंगे, उसकी किट पढ़ेंगे, देखेंगे कैसा है, उसके बाद ही हम समून करेंगे, अगर अच्छा नहीं हो तो स्किप ही करेंगे। जगह बता दी जहाँ से मैं सीसी कलेक्ट करता हूँ, तो छठी जगह जो होगी एक तरह से सीक्रेट जगह ही बोलता हूँ मैं इसको। अगर तुम इवेंट्स में जाते हो एंड यहाँ पे एक स्पेशल है कोने के अंदर, तो वहाँ पे कुछ इवेंट्स है जो कि तुम क्लियर कर लोगे तुमको सीसी मिलेंगे, बट मैं इनको बचा के रखता हूँ अपने मतलब इमरजेंसी के लिए। जैसे कि अभी गुहान का बैनर आया था तो मेरे पास सीसी नहीं थे, तो मैंने इनका इस्तेमाल किया था एंड मतलब बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हुई थी। ओके तो मैं इनको बचा के रखता हूँ, जैसे कि अभी एनिवर्सरी आएगी तब मैं इनको क्लियर करूँगा, अभी मैं नहीं करने वाला, इनको मैं छूऊँगा भी नहीं। अगर तुम्हारे पास भी ये सेफ है तो इनको अभी क्लियर मत करना, अगर क्योंकि कोई इवेंट आ गया मतलब सॉरी अगर कोई बैनर आ गया अच्छा खासा तो तुम समोन जरूर करोगे। ओके तो इसको अभी क्लियर मत करना, एक तरह सेफ रखने दो। ओके सिक्स जगह है स्टोरी मोड, एंड अगर तुमने स्टोरी मोड क्लियर कर रखा है तो तुमको यहाँ से सीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ओके बिकॉज या अगर तुमने क्लियर कर रखा है एंड तुमने मिशन भी क्लियर कर रखे तो बिल्कुल सीसी नहीं मिलेंगे। एंड मैंने भी क्लियर कर रखा है एंड मैंने मिशन क्लियर नहीं करे एंड मैं करूँगा भी नहीं इतना भाई, मैं नहीं करने वाला। ओके तो दैट्स इट। एंड अगर तुमने क्लियर नहीं कर रखा तो तुमको भाई बहुत ज़्यादा सीसी मिलेंगे इसको, बट अभी क्लियर मत करना इसको, एनिवर्सरी भी क्लियर करना अभी मत करना, बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार कोई बैनर आ गया तुमने समोन कर दोगे फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है तुम्हारा कलेक्ट करने का। सेवेंथ जगह है एंड ये मेरी लास्ट जगह होगी जहाँ से मैं तुमको बताऊँगा, वो होगी कोप। कोप इज़ दी बेस्ट जगह जहाँ से तुमको 500 सीसी मिल जाएंगे। ओके विदाउट एनी वरीज एंड यहाँ से कुछ नहीं करना तुमको, बस डेली का खेलना है एंड यहाँ से रिवॉर्ड लेना है। ओके एंड यार लास्ट जगह मैं बताऊँगा वो होगी डेली बोनस। डेली बोनस से भी 10 सीसी मिलते हैं, बट यही चीज़ अगर तुम एनिवर्सरी तक करते हो तो तुमको 2000 कितने मतलब अच्छे खासा अमाउंट मिल जाएगा अगर तुम करते हो। ओके तो मैं अभी कैलकुलेट करूँगा तो मैं ओके बट तुमको क्या करना है, तुमको 10 सीसी हमेशा लेने हैं हर दिन, तो एक तरह से तुम सेफ ही हो, तुम्हारे सीसी कहीं जा नहीं रहे। दैट्स इट गाइज, मैंने अपनी सारी जगह बता दी जहाँ से मैं भी क्लियर करता हूँ एंड कुछ जगह और भी है जैसे कि वो इक्विपमेंट वाली ट्रिक एंड बूस्ट ट्रिक जो तुम अपने करेक्टर को बूस्ट करते हो वो वाली ट्रिक्स भी है, बट उनकी एक लिमिट है, उसके बाद वो मिलते नहीं है उसमें से। ओके तो मैं उनको करता नहीं हूँ, मेरे तो भाई क्लियर है सारे के सारे। अगर तुम्हारे पास अभी भी सीसी नहीं है तो तुमको उन ट्रिक्स को तुम कर सकते हो। ओके तो दैट्स इट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि तुमको सीसी कैसे कलेक्ट करने हैं। तो या मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय गाइज़।